सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ जो कि है आईटीआई के छात्रों के लिए। और दोस्तों ये केवल उत्तर प्रदेश के आईटीआई छात्रों के लिए ही अपडेट है। और दोस्तों जिन बच्चों ने सत्र 2021 में या सत्र 2022 में वन ईयर या आईटीआई के टू ईयर कोर्स में एडमिशन लिया है, उन बच्चों का टैबलेट का डाटा वेरीफाई करने के लिए पोर्टल के ओपन किया गया है। ये आपके आईटीआई कॉलेज के द्वारा डाटा को वेरीफाई किया जाना है। तो इस जो अपडेट है इसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं लेटर के ऊपर जो कि जारी किया गया है राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश अलीगंज लखनऊ द्वारा। तो ये जो लेटर जारी किया है ये संयुक्त निदेशक समस्त प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई और समस्त प्रधानाचार्य प्रबंधक निजी आईटीआई के लिए जारी किया गया है। और ये केवल लेटर है केवल यूपी वालों के लिए, उत्तर प्रदेश वालों के लिए। और ये लेटर 28 मई को जारी किया गया है। विषय में देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संचालन के लिए उपयोग किए जा रहे डिजी शक्ति वेब पोर्टल में उपलब्ध छात्र छात्राओं के डेटा को एडिट अपडेट एवं नए छात्र छात्राओं के डेटा को अपडेट करने की प्रक्रिया के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें ये बताया गया है कि SCVT यूपी पर जितने भी बच्चों के प्रवेश हैं सत्र 2022 में, चाहे एक वर्ष का उसने आईटीआई कोर्स में एडमिशन लिया हो चाहे दो वर्ष के पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया हो, तो उसके डेटा को जो है कि SCVT पोर्टल पर वेरीफाई और नॉट वेरीफाई करने का ऑप्शन को ओपन कर दिया गया है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के डेटा को आप वेरीफाई करेंगे और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन बच्चों के डेटा को आप नॉट वेरीफाई करके डेटा को सेव कर लेना है आपको, और उसका प्रिंटआउट निकाल कर मोहर और साइन करके आपको जमा करना होगा। कहाँ जमा करना होगा? आपके नोडल ऑफिस में जमा करना होगा, 3 प्रतियों में उसको ले जाकर आपको जमा करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए, तो सत्र 2022 का मैंने पूरा आपको बता दिया, उसी तरह सत्र 21-23 के लिए भी ओपन है जिन बच्चों का डाटा, क्योंकि 21-23 के लिए पोर्टल को 29-9-2022 को एक बार खोला गया था, लेकिन कुछ बच्चों के डेटा को नोडल द्वारा फॉरवर्ड नहीं किया गया था, कुछ बच्चों के डेटा को कॉलेज द्वारा वेरीफाई या नॉट वेरीफाई नहीं किया गया था। तो उनके लिए भी एक और मौका दिया गया है कि चाहे वो 2022 का एडमिशन हो चाहे 21-23 में उस बच्चे ने एडमिशन लिया हो, तो उन बच्चों के डेटा को भी आपको वेरीफाई नॉट वेरीफाई करने का एक मौका फिर से दिया जा रहा है। उसको भी आपको जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका डाटा वेरीफाई करना है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका डाटा नॉट वेरीफाई करके डाटा को सेव करके उसका प्रिंट निकाल के मोहर और हस्ताक्षर करते हुए 3 प्रतियों में अपने जनपद के नोडल में आपको जमा करना है। उसके बाद की क्या प्रक्रिया है? उसके बाद की जब आप नोडल के यहाँ जमा कर देंगे तो नोडल प्रधानाचार्य द्वारा उनके पोर्टल पे जो है जो आपने डेटा वेरीफाई या नॉट वेरीफाई किया है वो दिखाने लगेगा। उनको जो आपने हार्ड कॉपी जमा की है उस डेटा को मिलाते हुए उनको डाटा को फॉरवर्ड सत्यापित करना होगा और 3 प्रतियों में आपको से वो जमा करा लेंगे। उसके बाद नोडल राजकीय आईटीआई द्वारा सारे आवेदन को जो भी आपसे 3 प्रति में लिया गया है एक प्रति अपने पास रखेंगे, 2 प्रतियों में आपके संयुक्त निदेशक ऑफिस में वो 2 प्रतियों के साथ उसको जमा कराया जाएगा। उसके बाद जो भी आपके मंडल के JD या संयुक्त निदेशक होंगे वहाँ से प्रदेश स्तर पर जितने भी मंडल के जितने भी जिले होंगे सभी का डाटा लेकर प्रदेश स्तर पर निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनको उपलब्ध कराना है। उसके बाद आ जाते हैं संबंधित राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं मंडलीय संयुक्त निदेशक उत्तर प्रदेश अपने अपने कार्यालयों में उपरोक्त की हार्ड कॉपी अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद तो दोस्तों कब से कब तक ये पोर्टल ओपन रहेगा और इन डाटा को आप टैबलेट के डाटा को वेरीफाई कर पाएंगे, तो लेटर के हिसाब से 17 मई 2023 से 22 मई 2023 तक ये रात के 12 बजे तक अवेलेबल रहेगा। उसके बाद अगर आप ओपन करेंगे तो इस लिंक को हटा दिया जाएगा, आप उस चीज़ को वेरीफाई और नॉट वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेटर 18 तारीख को जारी किया गया है और हमें 19 तारीख को लेटर मिला है। तो अब मान के चलिए मंडे तक का आपके पास समय है, तो जिन भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने कॉलेज पे आप संपर्क कर लीजिए। अगर आपका 22 अगस्त 2022 या 2021 में एडमिशन है तो आप जाके अपने डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई हमारा डेटा वेरीफाइड लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका नॉट वेरीफाई करके जाता है तो आपको टैबलेट नहीं मिलेगा। उसके बाद अब जानते हैं कि ये तो था कि आईटीआई कॉलेज को 22 तक सभी डेटा को वेरीफाई करना है जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। अब नोडल को अपने पोर्टल से कब तक फॉरवर्ड करना है, तो नोडल को समय दिया गया है 17 मई 2023 से लेकर 24 मई 2023 तक रात्रि के 12 बजे तक उनके पोर्टल पर ये डेटा दृष्टव होगा। 24 मई के बाद उनके पोर्टल से भी डाटा को हटा दिया जाएगा। तो 22 तक आपको फॉरवर्ड करना है आईटीआई कॉलेज को और 24 तक नोडल आईटीआई से आप लोगों को फॉरवर्ड करा लेना है किसी भी हाल में। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि पोर्टल पर किस किस ऑप्शन के थ्रू आप उस चीज़ को फॉरवर्ड करेंगे। तो आपको सबसे पहले SCVT UP की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी SCVT का है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के एंटर करना है। वहाँ पे आपको जनरल टैब में आ जाना है। वहाँ पे सबसे फर्स्ट लिंक आपका वेरीफाई आर नॉट वेरीफाई ट्रेनी फॉर टैबलेट मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेशन चूज करना है, ट्रेड चूज करना, आईडीए का नाम चूज करना है, उसके बाद ट्रेड चूज करना है। उसके बाद ट्रेनी लिस्ट आपके पास शो होने लगेगी, किन किन उस जो भी सत्र आपने चूज़ किया होगा वो पूरी ट्रेनी लिस्ट वहाँ पे शो हो जाएगी। उसके सामने आपको वेरीफाई और नॉट वेरीफाई का दो ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आपको अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वेरीफाई सेलेक्ट करना है, अगर छोड़ के चला गया है तो नॉट वेरीफाई आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आके आपको डेटा को सेव कर लेना है। उसी तरह एक पेज पे आपको 10 रिकॉर्ड दिखेंगे, उसी तरह जितना भी आपका एडमिशन है, 40 डाटा है, 40 बच्चों का एडमिशन है, 50 बच्चों का, 60 बच्चों का, तो हर पेज पे जाकर यही स्टेप आपको फॉलो करना होगा और डाटा को सेव करने के बाद आपको उसको प्रिंट कर लेना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी जानकारी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लेटर है इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी जाके इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।